नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज मैं शेयर कर रही हूं एक मजेदार नवरात्रि डेजर्ट रेसिपी। ये हेल्दी है और बनाना बहुत ही आसान और जायके में लाजवाब। इसके इंग्रेडिएंट्स घर पर ही मिल जाएंगे। शुरू करते हैं इसे बनाना। पैन में ऐड करेंगे 1.5 कप दूध, साथ में चीनी 80 ग्राम और मिलाएंगे मिल्क पाउडर 1/3 कप। मिक्स कर दें ताकि लंप्स ना रहें। फ्लेम को ऑन करें, इसे बॉईल करना है फ्लेम मीडियम। इसे उबालते समय कॉन्टिन्यूसली स्टर करना है, नहीं तो दूध तले पे लग जाएगा। इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए उबालेंगे। याद रहे कि इसे स्टर जरूर करें। 8 मिनट हो चुके हैं, अब फ्लेम को ऑफ कर दें। अब इसे ठंडा होने दें और बीच बीच में इसे स्टर जरूर करें ताकि मलाई ऊपर सेट ना हो। ये ठंडा हो गया है, एक बाउल में ट्रांसफर कर दें। इसे रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये बढ़िया से ठंडा हो जाए। बर्तन में 1.5 गिलास पानी डालें और उबाल आने दें। उबाल आने पर ऐड करेंगे 1/3 कप साबुदाना। साबुदाने को भिगोना नहीं है, इसे बीच बीच में स्टर कर दें फ्लेम मीडियम। इसे ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। साबुदाने को ट्रांसपेरेंट होने में 8 से 10 मिनट लगते हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर दें। इसे छान लें और रिंस करेंगे ठंडे पानी से, जिससे इसकी कुकिंग रुक जाए और एक्सेस स्टार्च भी निकल गया। अब इसे ठंडा होने दें। एक बाउल में ऐड करेंगे बेजल सीड्स 1 बड़ा चम्मच 10 ग्राम, इसे सब्जा सीड्स भी कहते हैं, साथ में 1/2 कप पानी। इसे सोक करेंगे 10 मिनट के लिए। बेजल सीड्स के बहुत सारे फायदे हैं, इसे जरूर ऐड करें, इसके बिना डेजर्ट अधूरी है। अब दूध भी चिल्ड हो गया है, इसमें मिला दें ठंडा साबुदाना। बेजल सीड्स भी सोक होने के बाद फूल गए हैं, इसे भी ठंडे दूध में ऐड कर दें और मिक्स करें। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसमें मिलाएंगे नट्स। सबसे पहले स्लाइस किए हुए काजू 1 बड़ा चम्मच, पिस्ता स्लाइस 1 बड़ा चम्मच, बादाम स्लाइस 1 बड़ा चम्मच। इसे और भी हेल्दी और पौष्टिक बनाने के लिए ऐड करेंगे फ्रूट्स। हरे अंगूर 7 से 8 दाने, लाल अंगूर 7 से 8 दाने, आम 3 बड़े चम्मच, कीवी 1, बगुकोशा 3 बड़े चम्मच, सेब 3 बड़े चम्मच, साथ में चेरी का मुरब्बा 8 से 10 दाने। आप अपनी पसंद के कोई भी फल ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इन सब को बढ़िया से मिक्स कर लें। साबुदाना फ्रूट डेजर्ट बनकर तैयार है। इसे आप फ्रिज में रखें 1 घंटे के लिए, उसके बाद सर्व करेंगे। ये देखिए, देखने में ये कितना कलरफुल है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। इसे आप पहले से ही बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में, जब मन हो ठंडा ठंडा सर्व करें और एंजॉय करें अपने फैमिली और दोस्तों के साथ। ये बहुत जल्द बन जाता है। उम्मीद करती हूँ ये सबको पसंद आएगी, आप इसे जरूर ट्राई करें। कैसे लगी आपको ये नवरात्रि डेजर्ट रेसिपी, कमेंट करके बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और अपने चैनल कमल्स मास्टर किचन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।